फिर कैसे हैं सब लोग? मुझे ठीक दोस्तों, सब लोग खैरियत से होंगे, लगा शुक्र है, मैं भी आपकी बात ठीक हूँ। आज की वीडियो आज के लोग शुरू करते हैं। मैं भी घर से निकलो जा रहा हूँ शॉप पे, सामान का टाइम हो गया, पहले मस्जिद जाएंगे, भाई शॉप पे चला जाएगा, मैं जाके फिर सामान लेने मैंने जाना है कुछ। सबसे पहले नमाज पढ़ने और काम चेक करने जाना। जो रात को किया था, ये फ्रेम बनाया था, एक टेबल हमने, एक ये बनाया था, अभी इसकी ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, इसको पेंट शॉप पर जाना है इसने। एक ये बनने वाला रहता है अभी, ये जो फ्रेम बना हुआ है इसको लेग वगैरह लगनी है, शीट लगनी है, अभी मैं इसकी शीट लेने चलता हूँ भाई। इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, सामान वगैरह मैं इकट्ठा कर लो, तब काम शुरू करते हैं। यही आप हाँ ऐसा हाँ, फौरन मेरा भी शाबाश। ये हमारे पाइप इधर से निकलेंगे, शीट वगैरह वो जा रही है, रेडी के ऊपर रखा जा रहा है सामान, यहाँ से भी सामान लेके चलते हैं वर्कशॉप। और ये ग्राइंडर चेक करें भाई, सामने लगा दी है दोनों फ्रेमों को, मैं अभी तीसरा फ्रेम तैयार करूँगा। सामान आ रहा है, आपको पता है वो भी रस्ते में, वो वो भी हो रहा है, अभी हमारा आना है, वो आया नहीं अभी, वो एक रेडी आ रही थी तो मुझे लगा था शायद जैसे कि हमारा, वो आपको नज़र आ रही होगी, ये रेडी आ रही है, ये हमारा सामान नहीं है, हमारा अभी दूसरी रेडी पे आएगा। ये जो है ना फ्रेम से हमारा तकरीबन रेडी हो गया, उल्टा पड़ा हुआ सीधा करेंगे वो, ये तीन फ्रेम थे तीनों तैयार हो गए हैं भाई। ये लोग रिक्शा लेने के लिए क्योंकि जा रहे हैं पेंट शॉप पर, तो रिक्शे पर रख के इनको पेंट वाली वर्कशॉप पर भेजेंगे, अभी रिक्शा आते हैं फिर इसको लोड करवाते हैं बस। अच्छा आ गया, ये लोड हो रहे हैं भाई, जो है इसको लेके जाएंगे पेंट शॉप के, मतलब पाउडर कोटिंग जहाँ पे होने वहाँ पे ले जाएंगे। फ्रेम जो थे ना वो तो गए थे चले, अभी जो है काम शुरू किया है, ये पीस कटिंग कर ली है, ये पीस कटिंग की है, कुछ सामान ये पड़ा है, कुछ सामान में लेके आए हैं, ये चेक करें, ये कटर है, ये बोल्ट वगैरह है, छोटा छोटा सामान था ये ले आए, ये ग्रिल ले आए, बड़ी जो ऊपर लगनी है टेरेस के ऊपर, होटल की टेरेस के ऊपर जो लगनी है वो बननी है। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है थोड़ा, इस वजह से मसला हो रहा है, अभी मैं कटिंग इसकी कर ली, और दिल किया तो अभी फ्रेम बनाएंगे, उस तारीख के बाद आके फ्रेम बनाएंगे इसके, फ्रेम पेंट होने के लिए भेजे थे ना, अभी मैं ज़रा उनका पता करते हैं चल के, ज़रा कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या स्टेज है उनकी, अभी आज मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, कोशिश तो मेरी यही है, उनको मैंने पूरा दबाव डाला हुआ है कि भाई आज मुझे फ्रेम दें, जैसे मर्जी करके दें, मुझे करके दें बस, वही चल रहे हैं उधर, उस तरफ जाके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। फ्रेम हमारे ये पड़े हुए हैं, अभी शुरुआत नहीं हुई, काम उधर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये फिर हमारी बारी आएगी, पहले ये बॉक्स जो है ना ये हो रहे हैं ये वाले, इसके बाद जो है हमारी बारी आएगी। पूरे का टाइम दे दिया है, थैंक्स भाई ने कह रहे हैं ये 8 बजे आपको पेड़ होकर मिल जाएंगे, तो अभी बस 6 बज गए हैं, मेरी सलाह घर चलते हैं, सारी का टाइम हो रहा है, दुकान पर जाके देखते हैं भाई सबसे सामान कुछ समेटा है या नीचे नहीं समेटा। अब हमने काफ़ी समेट दिया, बस ये पाइप है बड़े ये वाले, इनको भी शादी हाल के अंदर रखते हैं, हमारे साथ ही तो शादी हाल उसमें रखेंगे ये। अभी हम ना शादी हाल का इस्तेमाल करते हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए, ये सारा पड़ा हुआ है, शादी हाल खाली है दरअसल, यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहे तो मैं सोचा चलें भी रख लेते हैं, अफ्तारी के बाद आके इसको निकालेंगे, कटिंग करनी है इसकी, अभी बस घर चलेंगे, तो वह लगना शुरू हो गया है काम है सब कुछ, आपने तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी काम करेंगे आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। उस्ताद बंद कर यार, चलिए हुई है, वो बंदा आपको नजर आ रहा होगा, वो काफ़ी दूर कोटा हो गया ताले मार रहा है, ये भी जा रहा है घर, अफ्तारी के बाद ये भी आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब ने आज क्या काम किया है, अभी शॉप से घर आने लगे थे तो इन्होंने ना जनाब साहब ने चाबियां अंदर थी, बाइक की भी और शॉप की भी, चाबियां अंदर रख के लॉक लगा दिया है, अभी जो है वो साथ हमारे हमसाया है उधर से उसकी बाइक मांग के लेके आए कि भाई बाइक दे दो, अफ्तारी के बाद हम आएंगे घर से, डुप्लीकेट चाबी पड़ी है शॉप की, बहुत कोई मसला नहीं है, और डुप्लीकेट चाबी लेके जाएंगे फिर जाके मतलब चाबी निकलेगी, ये एक छोटा सा हादसा हो गया, जितनी जल्दी होती है ना उतना ही बंदा लेट हो जाता है, टाइम देखे 6:15 हो गए हैं, अभी जो है बस 10-15 मिनट रहती है, अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, अफ्तारी बल्कि आती है मैं आपको अफ्तारी दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं मेरे पास। मैं जो है ना आज सैंडविच है मेरे पास, दही बल्ले, अभी इनमें दही वगैरह डालना है, बाकी का सामान अभी आ रहा है, मैं ज़रा मोबाइल चार्जर लगाने लगा हूँ, मिलते हैं अफ्तारी के बाद। अब ये 2 दिन फ्रेम से बना लिए हमने, अभी इनके अंदर जो डिज़ाइन करना है ना उसकी कोई तैयारी करनी है, वो सोच रहे हैं अभी कैसे शुरू करें, डिज़ाइन है सोच के शुरू करना पड़ता है, और ये डिज़ाइन जो है ये शुरू हो गया, इसकी मेजरमेंट वगैरह निकाल रहे हैं, फरमाइश वगैरह कर रहे हैं कैसे शुरू करना है, थोड़ा बहुत शुरू किया है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, साइज निकलेंगे फिर उसके बाद कटिंग करना आसानी हो जाती है, फटाफट लगता जाएगा, फिर पहला जो है ना मुश्किल होती है। डिज़ाइन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक पीस तैयार कर लिया, तकरीबन एक स्पॉट रह गया, बस ये वाला ये लगा के मैं दिखा दूँगा, फिर
तो जी ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से हुआ है हमारा पीस, ठीक है। इसने अभी इसके अंदर हमने खाने बना लिए हैं, इसको इस तरह बना के ये इधर फिटिंग होगी ऐसे, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें एक दो दिन लगेंगे, आपके साथ बना रहे हैं, साथ साथ शेयर करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी सारे काम की। इसने अभी कम्प्लीट किया, थोड़ा सा ये ज़रा चेक करें पहले, ये देखें ये ग्रिल है, ये ऐसे खड़ी हो जाएगी टेरेस पे लगनी है, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। इसी तरह की डब्बियाँ बनेंगी और इनमें लगेंगी, दो फ्रेम मैंने उठा के अभी अंदर रखे हैं, चेक करें इधर। अभी टाइम हो रहा है छुट्टी का, छुट्टी का तो नहीं, खैर नाजम भाई की तरफ जाना है हमने। ये वाला जो है ना सिस्टम मैंने अभी चार किया और वो सारा हमने समेट लिया है, बस शॉप बंद करेंगे और निकलेंगे। ये उजार हैं जो उजार निकलेंगे, मैं आपको वहाँ पर चल के बताता हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पर जो है सफाइयाँ धड़ाधड़ चल रही हैं, चेक करें जरा, ये सारा जो है ना कचरा वगैरह धोया जो जा रहा है, तोड़ पाई पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं इधर, वो ऊपर जो दीवार है ना वहाँ पर ग्रिल लग रही है उसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ से ये टूट गई है, ठीक है। अभी इसको प्लस्तर कर देंगे, यहाँ पर स्टील की ग्रिल लग रही है। अभी चलते हैं अंदर, अंदर आए हाँ 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 क्या बात है, चेक करो जी अहल आजम भट्ट साहब ने, वालेकुम सलाम। ये जी लग गई जालियाँ शालियाँ, स्टील प्लेटें, मिक्सचर, ये भी मिक्सचर लग गया है, ये प्लेटें वो गंदी नज़र आ रही हैं, साफ़ हो रही हैं स्टील की हैं। ये टेबल आए हैं जी हमारे नए वाले जो आज पेंट के लिए गए हुए थे ना, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। अभी जो है इनको टायर लगने हैं नीचे, ये लगा ले, फिर इसकी जो जगह है ना वहाँ पे रख के दिखाते हैं आपको। सेंटर तो ये जो है ना इधर भी ये टायर जो है ना फ्रेमों को टायर लगा रहे हैं, टायर नहीं लगाए थे क्योंकि पाउडर कोटिंग करवा था ना भट्टी के अंदर जो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जरा चेक करें कि मैंने ये शर्ट बनाई थी ना, तो मैं यहाँ पर रखनी पैकिंग, तो मेरा वजन है 90 के जी, तो मैं इधर लेट के दिखा रहा हूँ कि भाई जाना बड़ा मजबूत है, ए थले वील है, ये दिखाओ इस तरह ये वील है उसकी मजबूती चेक कर लें कि सॉफ्ट का होता है, ऊपर डाल के जैसे मर्जी ले जाए इसको, पावे चक्कर वाले स्ट्रेंचर बनाता है। तो यहाँ पे जो है फिलिंग शिलिंग भी सारी हो गई कम्प्लीट, और ये जो रोटियों वाला डब्बा था ना इसको भी सारा प्लस्तर वगैरह करा के फिनिश कर दिया गया। यहाँ पे आप एक बनेगा पाइप लोहे का, इधर तंदूर लगा होगा, यहाँ से रोटियाँ फेंकेगा नीचे, नीचे वाले हाल में चली जाएंगी सर्व करने के लिए कस्टमर को। तो अभी जो है मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, घर चलते हैं, आया हूँ घर आके फ्रेश हो गया हूँ मैं, टाइम ज़रा चेक करा जल्दी घर आ गए, पौना एक हो गया है। मैं अभी वीडियो एडिटिंग करूँगा, आप मुझे ज़्यादा देर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और एक बड़ा ही तगड़ा प्लान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कम्प्लीट हो गया है, वो मैं सरप्राइज़ दूँगा आपको ईद पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।